जय माता रानी की दोस्तों आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है माँ भगवती दुर्गा की कृपा माता काली की कृपा आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि, कि अगर आपको दिख रहे हैं ये पांच संकेत किस दिन नवरात्रि के किसी भी दिन ये पाँच संकेत दिख रहे हैं तो आप समझ लो भक्तों कि आपके घर में माता काली विराजमान है विराजमान हो चुकी है जी भक्तों नवरात्रि के समय आप लोग के आप लोगों को ये संकेत देखोगे तो आपको इस वीडियो से यह पता चल जाएगा कि संकेत आपको क्यों दिखाई दे रहे हैं और यह संकेत आपको हकीकत में दिखाई देंगे सपने में नहीं और यह आपको अधिकतर करके नवरात्रों के दौरान ही दिखाई देंगे तो मैं आपको जो पांच संकेत बताने जा रही हूँ यह नवरात्रि के संकेत हैं और मैं यह भी जानती हूँ कि जो नवरात्र अपने घर में मनाते हैं नवरात्रि माताओं के व्रत रखते हैं चाहे देवियों को मान रहे हैं या नहीं काली माँ को मानते हैं तभी यह संकेत दिखाई देंगे देखिए देवी शक्ति एक ही है ठीक है बस इनके रूप अलग अलग है और इनके नाम अलग अलग है बाक़ी शक्ति एक ही है तो कोई कोई भी देवी के अगर आप व्रत कर रहे हैं या अपने घर में पूजा पाठ कर करते हैं मंत्र जाप करते हैं तो नवरात्रि के दौरान अगर किसी भी व्यक्ति को यह पांच संकेत दिखाई दिए जा रहे दिए जा रहे हैं तो समझ लो कि उसके घर में ही माता काली विराजमान हो गई है हंड्रेड परसेंट हो गई है स्वयं माँ काली उसके घर में बैठी हैं इस समय पे तभी उसको यह संकेत दिखाई देंगे तो चलिए चलिए भक्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ ही बताऊंगी। बताने से पहले एक छोटी सी आ, मेरे भक्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और बेल आइकन घंटी ऑल पर प्रेस जरूर कर दीजिएगा इससे क्या होगा कि भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तों तक तुरंत मिल जाए मैं भक्तों एक एक करके आपको सभी संकेतों के बारे में बता रही हूँ ध्यान से सुन लीजिए अच्छे से समझ लीजिए एक बात और कहूँगी कमेंट में मुझे बोला जाता है कि आप एक ही बात को पाँच मिनट तक बोलते रहती हैं तो मैं सिर्फ बोलती हूँ सच बोलती हूँ झूठ नहीं बोलती हूँ अब हो सकता है कि एक ही बात को मैं पाँच मिनट तक शायद बोल जाती हूँ पर आप लोग को भक्तों को तो समझ में तो आ ही जाता होगा ऐसा बात तो नहीं है कि नहीं समझ में आता है और मेरी वीडियो दस मिनट की ज़्यादा नहीं रहती है तो अगर आप दस मिनट टाइम निकाल कर वीडियो को सुन लेते हैं तो फायदा तो आप ही लोग के लिए है ठीक है तो अगर अभी आपको भक्तों अगर अभी आपको यह संकेत नहीं दिख रहे हैं आगे आने वाले कभी भी नवरात्रा में के दौरान यह संकेत दिखेंगे ठीक है और अगर संकेत दिखते हैं तब भी आपको इस वीडियो से पूरी मदद मिलेगी यह पता चल पाएगा कि आपके घर में काली माँ बैठी हैं काली माँ विराजमान है अगर मान लो इस संकेत आपको दिखते हैं और आपने ये वीडियो आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो भक्तों आपको कैसे पता चल पाएगा वीडियो तो देखना ही पड़ेगा तभी आपको पता चल पाएगा आपके घर में क्या हो रहा है अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे ये संकेत आपको क्यों दिखाई दे रहे हैं हकीकत में तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ ध्यान से सुनिए पहला संकेत जैसे मान लीजिए आप अपने घर में माता की चौकी लगाएंगे या चौकी भी नहीं लगा रहे हैं घर में मंदिर में ही पूजा कर रहे हैं तो जो भी दिया या जो माता के आगे जलाएंगे उसमें क्या होगा कि आधे घंटे के अंदर अंदर उसमें एक अजीब सा ध्यान से देखिएगा अजीब सा मतलब चित्र बनता हुआ दिखाई देगा ठीक है आधे घंटा के बाद मतलब अंदर आधे घंटा के अंदर अंदर में ही ध्यान से देखिएगा उस ज्योत में आपको जैसे आपको आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ठीक है तो इस तरीके का चित्र बनेगा काली माता का आपकी ज्योत में से ऐसे क्यों बनेगा नवरात्रों के दौ के दौरान देखिए नवरात्रों के दौरान हरित्र अधिकतर करके ठीक है नवरात्रों के दौरान अधिकतर करके कुछ भक्तों के को ही ज्योत में चित्र बनते दिखते हैं जो सच्चे दिल से पूजा पाठ करते हैं ठीक है अगर मेरी वीडियो को अगर अच्छे से समझे और अगर आप पूजा पाठ पर ध्यान दें तो आपको हंड्रेड परसेंट दिखाई देंगे और अगर आप मजाक उड़ाते हैं तो आपको दिखाई नहीं देंगे तो जो पूजा पाठ को मानते हैं काली माँ को मानते हैं जो कलयुग में सबसे शक्तिशाली मानी जाती है तो उनको वो चित्र बनते हुए दिखाई ज़रूर देंगे हर किसी की ज्योत में नहीं बनते हैं ठीक है हर किसी की जोत में नहीं बनते मतलब जिसके घर में काली माँ बैठी हैं आपके घर में काली माँ बैठी हैं आपके घर में सुख शांति है झगड़ा लड़ाई नहीं हो रही है आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ तो समझ लीजिए आपके घर में काली माँ बैठी है जब आप पूजा पाठ कीजिएगा ना तो आपको ज़रूर दिखाई देगा ठीक है तो जिसके घर में काली माँ बैठी हैं विराजमान हो जाती हैं उस भक्त को ही ज्योत के अंदर इस तरीके का चित्र बनता हुआ दिखाई देता है जैसे आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना पहला संकेत आपको यही देखने को मिलेगा तो समझ लीजिए आपके घर में माता काली विराजमान है दूसरा संकेत आप लोगों को यह देखने को मिलेगा जब आप पूजा कर रहे हैं तो बीच बीच में अचानक से आपकी बॉडी में दर्द होगा बड़ी मतलब यह जो आपका हाथ है हाथ में आपके अचानक से दर्द उठेगा और यह दर्द एकदम मीठा मीठा सा होगा दवाई भी खाओगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दवाई से ठीक नहीं होगा यह दर्द अपने आप ही ठीक होगा और अपने आप ही खत्म भी होगा यह दर्द यह संकेत होते हैं जो आपको शरीर में देखने को मिलते हैं और यह संकेत तब आपको मिलते हैं नवरात्रों के दौरान जब आपके घर में माता काली विराजमान हो जाती है तो अगर आपके हाथों में कभी भी दर्द हो नवरात्रों के दौरान तो समझ लो माता काली आपके घर में बैठी हैं तीसरा संकेत आपको यह देखने को मिलेगा मंत्र जाप के दौरान जब आंखें बंद करके माँ के मंत्रों का जाप करेंगे बैठ के या खड़े खड़े होकर जैसे भी तो अचानक से जब एकदम आप आंख खोलोगे मंत्र जाप पूरा हो जाएगा तो आप अपना सकल को आईने में देखिएगा अपना फेस को आईने में देखिएगा और आईने में जब अपना फेस को देखोगे तो आँखों में अपना देखना ध्यान से आपकी आँख में लालपन आना शुरू हो जाएगा लाल होना शुरू हो जाएगा और यह लालपन आएगा क्यों क्योंकि आपके घर में काली माता बैठी है चाहते हैं ना कि आपके घर में माता विराजमान हो तो ये सब संकेतों पर ध्यान दे ठीक है तो काली माता बैठी हैं काली माता ही आपको इस तरह के संकेत दिखाएंगी और वह भी इसलिए दिखाएंगी ताकि आपको यह पता चल पाए कि मैं तुम्हारे घर में बैठी हूँ मैं तुम्हारे घर में विराजमान हूँ जैसे मैंने देखा लोगों को संकेत दिखेंगे तो वह मतलब बेवकूफ़ बन जाएंगे कुछ तो लोग ऐसे हैं जो बेवकूफ़ ही हैं बिल्कुल समझेंगे ही नहीं संकेतों को क्यों दिखाई दे रहे हैं जब आप संकेतों का अर्थ नहीं समझोगे तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो कितनी भी पूजा पाठ कर लो ठीक है भक्तों चौथा संकेत आपको यह देखने को मिलेगा अचानक से जैसे अपने घर अपने अपने घर में हवन कर रहे हो माता का ध्यान कर कर रहे हो तो घुटन में घुटना में घुटना में दर्द होना शुरू हो जाएगा घुटना में दर्द नवरात्रों के दौरान अगर आपके हो रहे हैं तो समझ लो आपके घर में काली माँ बैठी हैं और काली माँ ही आपको इस तरह के संकेत दिखा रही हैं पांचवा संकेत आपको यह देखने को मिलेगा जैसे मान लीजिए आप रात्रि के दौरान सो रहे हैं आप नवरात्रों में मतलब सो रहे हैं जब रात्रि में आप सोते हैं तो सोते समय सोते समय आपको झटके लगेंगे अपने आप शरीर में झटके लगेंगे मतलब एक ही बार झटका नहीं लगेगा आपको कई बार सोते सोते आपको झटके लग जाएंगे और सपने में अगर झटके लगते हैं तो यह संकेत बताता है कि आपके घर में स्वयं काली माता बैठी हैं और जब झटके लगेंगे तो आपको समझ में आएगा ठीक है जो काली माँ का दुर्गा माँ का पूजा कर रहे हैं कोई भी देवी माँ का पूजा कर रहे हैं तो ये संकेतों को समझे ठीक है काली माँ आपके घर में विराजमान है तभी आपको सपने में झटके लगेंगे और जब जब आपको झटके लगेंगे तो आप सोचेंगे पता नहीं आज मेरे साथ ऐसा अचानक से क्यों हो रहा है क्या हो रहा है तो आप मतलब घबरा जाओगे किसी को बताओगे भी तो नहीं अगर किसी ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति को बताओगे तो वह आपको इसका अर्थ यही बताएगा कि तुम्हारे घर में काली माता बैठी हैं और काली माता आपको ही संकेत दिखा रही हैं ताकि आप समझ पाओ जब आप किसी को बताएंगे ही नहीं तो आपको अर्थ कैसे पता चलेगा अपने संकेतों को इसलिए अगर आपका गुरु है तो आप अपने गुरु को जरूर बताएं कोई भी संकेत दिखता है अगर मान लो आपका गुरु नहीं है तो आप हमें भी कमेंट में अपने संकेत बता सकते हैं और हम आपके संकेतों का अर्थ आपको ज़रूर बताएंगे तो जितने भी भक्त हैं मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उस, उनसे मैं कहना चाहूँगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा काली माँ के भक्तों तक शेयर कर देना ताकि काली माँ के हर एक भक्त को इन संकेतों का अर्थ पता चल पाए कोई भी भक्त लोगों के पास ना भटके ठीक है और अपना पैसा खर्च ना करे उसको घर बैठे बैठे इस वीडियो से पता चल जाएगा तब उसको यह संकेत देखने को मिलेंगे तो उनको इस वीडियो से पता चल जाएगा ठीक है तो ठीक है भक्तों अब मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अब आप लोग को तो समझ में आ ही गया होगा नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा ठीक है कमेंट का तो मैं जवाब देती ही हूँ तब तक के लिए जय माँ काली जय माँ काली हर हर महादेव माता काली आपकी हर मनोकामना पूरी करे नवरात्रि खत्म होते होते